सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां धूमधाम से की जा रही हैं। गणतंत्र दिवस में पुलिस, होमगार्ड, स्काउट, एनसीसी और शिक्षण संस्थानों की टुकड़ियां परेड को शानदार और आकर्षक बनाने के लिए आज से अभ्यास में जुट गई हैं। सभी टुकड़ियां आज से ही अपना अभ्यास आरम्भ कर दिया है ताकि गणतंत्र दिवस के परेड में कोई त्रुटि न रहे। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारियां धूमधाम से की जा रही हैं। गणतंत्र दिवस में पुलिस, होमगार्ड, स्काउट, एनसीसी और शिक्षण संस्थानों की टुकड़ियां परेड को शानदार और आकर्षक बनाने के लिए आज से अभ्यास में जुट गई हैं। सभी टुकड़ियों ने आज से अपना अभ्यास आरम्भ कर दिया है ताकि गणतंत्र दिवस की परेड में कोई त्रुटि न रह जाए। युवाओं में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और वह पहले ही दिन से काफी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए परेड की रिहर्सल करने आए युवाओं और उनके अध्यापकों ने बताया कि वे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर पहली बार परेड में भाग लेने जा रहे हैं। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें आज बेहद फक्र हो रहा है कि वे गणतंत्र दिवस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें भाग लेने के लिए सभी युवाओं में भारी जोश और उत्साह है। अध्यापकों ने बताया कि छात्रों के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे अपनी छुट्टियों को रद्द कर परेड में भाग लेने के लिए सोलन पहुंचे हैं। इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों और युवाओं को सही दिशा मिलती है और उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल होता है। गणतंत्र दिवस में भाग लेकर युवाओं में देश के प्रति समर्पण का भाव बढ़ता है और वे अन्य बुराइयों से दूर रहते हैं। जय हिंद, मेरा नाम कैडेट मनप्रीत राणा है और मैं गवर्नमेंट डिग्री पीजी कॉलेज सोलन से हूँ और मेरा एनसीसी में फर्स्ट ईयर है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर परेड कर रही हूँ, वो भी 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर। और बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट डे है और बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई मेरे सीनियर द्वारा। कोमल तोमर हूँ, मैं पीजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी की परेड ठोडो ग्राउंड में हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहली बार परेड में भाग लेने का मौका मिल रहा है। जय हिंद, अंडर ऑफिसर दीक्षा ठाकुर, मैं पीजी कॉलेज सोलन की छात्रा हूँ और हम सब पीजी कॉलेज सोलन के कैडेट्स यहाँ पर 26 जनवरी की परेड के लिए आए हैं और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग 26 जनवरी की परेड कर रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य पर हमारे सभी जो एनसीसी कैडेट्स हैं सबके मन में बड़ा उत्साह है 26 जनवरी की परेड के प्रति और सभी बहुत उत्सुक है 26 जनवरी की परेड करने के लिए। तो अभी हमारा आज पहला दिन है और यहाँ पर हमारी जो परेड की तैयारियाँ मतलब आज से स्टार्ट है 26 तक, तो मतलब हमें बहुत खुशी है कि मतलब हम लोग यहाँ पर परेड के लिए आए हैं। हमारे स्कूल में राज्य के विभिन्न स्थानों के बच्चे पढ़ते हैं जो कि आजकल शीतकालीन अवकाश के कारण अपने घरों को गए हुए थे, लेकिन 26 जनवरी के विशेष उत्साह के कारण तैयारी के लिए आज यहाँ ठोडो ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं और बच्चों में विशेष उत्साह है। 26 जनवरी तथा अन्य गतिविधियों में एनसीसी और अन्य बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की अन्य गतिविधियाँ जैसे कि नशा या अन्य उनसे दूर रहते हैं और उनमें देश के लिए अपने आप को समर्पित करने की भावना आती है। ऐतिहासिक ग्राउंड ठोडो ग्राउंड में इतनी चहल पहल है, जहाँ पे एनसीसी, स्काउट्स, पुलिस, होमगार्ड, बॉय स्कूल के बच्चे अपना एक उत्कृष्ट प्रदर्शन की देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और इस भाग लेने से एक तो बच्चों के अंदर जो आजकल एक देश प्रेम की भावना दिन पर दिन घटती जा रही है, नशे की आदत बढ़ती जा रही है और चोरी डकैती उल्टे कामों की तरफ बच्चे अग्रसित हो रहे हैं, वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अंदर ये भावनाएँ ख़त्म होती है और बच्चे अपना एक देश प्रेम जिताने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करना गणतंत्र दिवस में एक अपने आप में सौभाग्य की बात है कि आपको मौका दिया जा रहा है और आप परेड कर रहे हो, मार्च पास कर रहे हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो इससे बच्चों में एक बुरी लत से बच्चे दूर रहते हैं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है, छोटे ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।